तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IDFC बैंक फर्स्ट पावर क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये एक रुपए क्रेडिट कार्ड है, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है कि एक पावर क्रेडिट कार्ड है, तो पावरफुल इसके फीचर्स होने चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स एंड बेनिफिट की। क्या इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या इस क्रेडिट कार्ड में फी एंड चार्जेस हैं, और आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली। तो सबसे पहले बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड को लेने के बाद में आपको क्या बेनिफिट मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड को जब भी आप लेते हैं और पहली बार इस क्रेडिट कार्ड से HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो भी फ्यूल स्टेशन है वहां पे आप फ्यूल परचेस करते हैं 250 रुपए या उससे ज्यादा का, तो आपको 250 रुपए का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड में मिल जाता है। इसके साथ साथ कार्ड के आने के बाद 1 महीने के अंदर आप इस क्रेडिट कार्ड पर कोई भी पहली EMI की ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको इस क्रेडिट कार्ड पर 5% का कैशबैक मिल जाता है। इसके साथ साथ इस क्रेडिट कार्ड से आप जूम कार का रेंटल बुक करते हैं तो ऐसे में आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है। इंटरनेशनली भी आप इस क्रेडिट कार्ड से टैक्सी बुक करते हैं, कैब बुक करते हैं, तो आपको यहाँ पे 50% का ऑफ मिल जाता है। ये तो थे इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट। ये आपको तब मिलते हैं जब आप इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फी को पे कर देते हैं और 1 महीने के अंदर ये सारी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको ये बेनिफिट जहां पे मिल जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड से HPCL के जो फ्यूल स्टेशन है उन पे आप फ्यूल भराते हैं तो आपको यहाँ पे ये क्लेम कर देंगे, आपको 5% तक के बेनिफिट मिल जाते हैं। लेकिन उनमें थोड़ा सा कैच है, वो आपको समझना चाहिए। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड पर क्या होता है कि जब भी आप HPCL के फ्यूल स्टेशन पर जाकर के कोई भी 150 रुपए का कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो ऐसे में यहाँ पे आपको 21 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं और 1 रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो 25 पैसे होते हैं। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे 3.5% का बेनिफिट मिल जाता है। इसके साथ साथ HP के जो फ्यूल स्टेशन है उनका एक ऐप होता है HP पे करके, तो उस ऐप के माध्यम से आप इस क्रेडिट कार्ड को लिंक करके पेमेंट करते हैं तो ऐसे में आपको यहाँ पे 1.5% का और फायदा हो जाता है, जो कि आपको हैप्पी कॉइंस के रूप में मिलता है। यानी कि आप 100 रुपए का फ्यूल परचेस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 6 हैप्पी कॉइंस मिल जाएंगे, जिनकी वैल्यू जो होती है वो 1.5 रुपए के बराबर होती है। तो ऐसे करके 1.5% का बेनिफिट यहाँ पे आपको मिल जाता है। लेकिन इसकी जो कैपिंग है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। यानी कि आपको मैक्सिमम 700 रिवॉर्ड पॉइंट मिल सकते हैं जब भी आप इस क्रेडिट कार्ड से HPCL के फ्यूल स्टेशन पर जाकर के कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं। उनकी वैल्यू कितनी होती है, जैसे 25 पैसे का 1 रिवॉर्ड पॉइंट है तो उनकी वैल्यू 175 रुपए यहाँ पे होती है, जो कि आप 1 महीने में सिर्फ 175 रुपए का फायदा कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से जब भी आप इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फ्यूल परचेस करते हैं। तो 3.5% जो है उसको आप सही ना समझें, आप 175 रुपए पकड़ के चले, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह से जो उनका HP पे के माध्यम से करते हैं, जब आपको हैप्पी कॉइन्स मिलते हैं वहां पर आपको 1 महीने में 150 रुपए तक के ही कॉइन्स मिल सकते हैं। तो ऐसे करके आपको जो फ्यूल पे हर महीने फायदा हो सकता है वो 325 रुपए का हो सकता है। इसके साथ साथ बात करें इस क्रेडिट कार्ड पे और क्या फायदा मिलता है, तो यहाँ पे आपको 15 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं 150 रुपए खर्च करने पर, लेकिन आपने वो खर्चा जो है ग्रोसरी पे या यूटिलिटी के बिल पे करने पे किया होना चाहिए। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे 2.5% का बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन इसकी भी एक कैपिंग उन्होंने यहाँ पे लगाई हुई है। आप यूटिलिटी और ग्रोसरी पे मैक्सिमम 400 रिवॉर्ड पॉइंट ही प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे 100 रुपए का फायदा ग्रोसरी और यूटिलिटी के बिल पे करने पे हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप फास्टैग रिचार्ज करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से IDFC का, तो भी आपको यहाँ पे 15 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। हर एक 150 रुपए खर्च करने पर आपको मैक्सिमम यहाँ पे 200 रिवॉर्ड पॉइंट मिल सकते हैं। तो आपको ऐसे में फास्टैग रिचार्ज करेंगे जो कि IDFC का ही होना चाहिए, तो आपको 50 रुपए का 1 महीने में बेनिफिट यहाँ पे हो जाएगा। तो टोटल बेनिफिट की बात करें 325 वहां पे था, 100 रुपए का यहां पे था, और आपको 50 रुपए का आपके IDFC वाले फास्टैग को रिचार्ज करने पे था। तो आपको इतने बेनिफिट तो इस क्रेडिट कार्ड में मिलते हैं। इसके अलावा आपको हर एक 150 रुपए खर्च करने पर यहां पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं जब भी आप इस क्रेडिट कार्ड से कहीं और ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन उन ट्रांजैक्शन के अंदर में कुछ ट्रांजैक्शन को कंसीडर नहीं किया जाता है, जैसे कि EMI की ट्रांजैक्शन हो गई, कैश विड्रॉल की ट्रांजैक्शन हो गई, इस तरह की जो ट्रांजैक्शन होती है वॉलेट लोड इत्यादि, वो इसमें काउंट नहीं की जाती। इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको कुछ इंश्योरेंस कवर भी मिलते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंट कवर मिल जाता है। जब भी आपके साथ कोई हादसा होता है तो आपको यहाँ पे 2 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट्री रोड साइड असिस्टेंस की सर्विस मिल जाती है, जिसकी बर्थ होती है करीब 1400 रुपए के अराउंड।
तो उसका बेनिफिट जो होता है कि आपकी जो कार है वो कहीं ब्रेक डाउन हो जाती है, तो ऐसे में आपको यहाँ पे पूरी मदद मिलती है और आपकी कार को वहां से लेके आया जाएगा, रिपेयर भी कराया जाता है। इसके अलावा आपको इस क्रेडिट कार्ड पे लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी कवर भी मिल जाता है, जिसमें कि अगर आपका कार्ड खो जाता है और आपने इन्फॉर्मेशन इस बैंक को कर दिया कि मेरा कार्ड खो चुका है, उसके बाद में आपके कार्ड पर कोई ट्रांजेक्शन होती है, तो ऐसे में आपको 25,000 रुपए तक का जो नुकसान है उसकी भरपाई यहाँ पे ये बैंक आपको करता है। तो ये तो थे इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स एंड बेनिफिट। अब बात करते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको क्या फी एंड चार्जेस लगते हैं। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फी है वो 199 रुपए प्लस जीएसटी है, और इस क्रेडिट कार्ड की जो एनुअल फी है वो भी 199 रुपए प्लस जीएसटी की है। लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड पर एक साल के अंदर 50,000 रुपए खर्च करते हैं तो जो आपकी एनुअल फी है वो वेव ऑफ हो जाती है। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले इंटरेस्ट रेट की। दोस्तों आपको इस क्रेडिट कार्ड पर मंथली के 0.75% से लेकर 3.65% के यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लग सकते हैं, और बात करें एनुअल की तो आपको इस क्रेडिट कार्ड पे 9% से लेके 43.65% के इंटरेस्ट रेट लग सकते हैं एनुअली। बात करें ओवर लिमिट ट्रांजैक्शन की तो आपको इस क्रेडिट कार्ड पे 2.5% के चार्ज लगते हैं और मिनिमम आपको यहाँ पे 550 रुपए लगते हैं। अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड पे कैश विड्रॉल चार्जेस की तो वो आपको यहाँ पे 199 रुपए लगते हैं। आप कितनी बार कैश निकालें तो आपको 199 प्लस जीएसटी के चार्ज लगेंगे, कोई भी इंटरेस्ट आपको कैश पे नहीं लगता है इस क्रेडिट कार्ड में, ये बेनिफिट मुझे एक लगता है। अब बात करते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको क्या चार्ज लगते हैं जब आप अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट टाइम पर नहीं कर पाते हैं, यानी कि लेट पेमेंट फी आपको इस क्रेडिट कार्ड पर कितनी लगती है। तो दोस्तों आपको इस क्रेडिट कार्ड पर जो आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग होती है उसका 15% आपको यहाँ पर लेट पेमेंट फी लगती है, लेकिन मिनिमम आपको 100 रुपए ही लगेगी और मैक्सिमम आपको 1300 रुपए लगेगी, उससे ज्यादा आपको नहीं लगेगी। और इन सब चार्जेस के ऊपर जो मैंने आपको बताए उनके ऊपर आपको जीएसटी भी देना पड़ता है जो कि 18% होता है। तो कुछ इस प्रकार ही थे इस क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले फी एंड चार्जेस। अब बात करते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। आपकी जो है एज है वो 18 साल से बड़ी होनी चाहिए, आपकी एनुअल इनकम 3,00,000 से ज़्यादा होनी चाहिए और आप इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं ज़रूरी वो आपके पास होने चाहिए। इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर सिंपल सा फॉर्म भरेंगे, आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। अब मुलाकात होगी आने वाले किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें कोई नई टेक्निक।